अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर कैसे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सी मुश्किल हो रही है, इसी वजह से मैं आपसे माजरा चाहती हूँ। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तुम कैसे जानते हो मुझे? मैं तो ये भी जानता हूँ तुम लंदन से 20 दिन पहले वापस आए और वालिद की तबीयत और ज़िद की वजह से यहीं रहने का फ़ैसला किया और अब पार्ट टाइम में यूनी से डिग्री मुकम्मल कर रहे हो। तुम हो कौन? तो क्या है ना अजलान मलिक, मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं था, लेकिन तुमने गलती कर दी। गलती भी वो की जिसकी माफ़ी नहीं। अजलान ने सवालिया नजरों से शाह की जानिब देखा। तुमने दुरे शहवार को छुआ, ये कहते हुए शाह के लहजे की सख्ती को अजलान ने महसूस किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इतनी जल्दी भूल गया अजलान, कल ही की तो बात है। अजलान की आंखों के सामने वो मासूम सा सरापा लहराया, लेकिन वो एक हादसा था। अभी तुम अब तक सांस ले रहे हो, शाह चिल्लाया, फिर चाकू से अजलान के हाथ पे कट लगाया। अजलान दर्द से चिल्लाया, अब सुकून मिला है शाह को, आइंदा खाम में भी मेरे दुरे शहवार के नज़दीक नहीं आओगे। ये कहते ही शाह ने उसके हाथों पे कट लगाए। जब अजलान भी होश हो गया, शाह पुरसकून सा बाहर निकला। लाल को बोला, होश में आए तो जाने देना, कोई नहीं कह सकता था यही इंसान कुछ देर पहले जानवर बना हुआ था। अपनी तरफ से शाह ने किस्सा ख़त्म किया था, पर कौन जानता था ये इख्तिताम था या आगाज़। शाह घर में दाखिल हुआ तो नज़र सामने सोफे पे बैठी वजूद पर पड़ी। सरसरी सी उठी से नज़र पलट कर आने से इनकार ही हुआ। शहवार ब्लैक सूट पहनी हुई थी जो उसकी गोरी रंगत पे खूब जच रहा था। रजिस्टर गोद में रखे, मुंह में पेन दबाए वो किसी सोच में गुम थी। शाह कुछ पल साकित सा वही खड़ा दुरे शहवार को देखता रहा, फिर दिल पे हाथ रखते हुए बड़बड़ाया, चल अजमेर शाह, दुरे शहवार को मना ले वरना इसको चैन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। दुरे शहवार चौंकी लेकिन जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ हो गई। शाह ने ठंडी सांस ली और दुरे शहवार के साथ ही सोफे में बैठ गया। क्या हो रहा है? फिर खुद ही रजिस्टर उठा के देखने लगा। दुरे शहवार खामोश बैठी दीवारों को घूर रही थी, जैसी उससे ज़रूरी कोई काम ही ना हो। यह तो बहुत आसान सवाल है। दुरे शहवार की आंखों में हैरानी उभरी कि जिस सवाल पे वो आधे घंटे से सर खपा रही थी, शाह को वो मुश्किल ही नहीं लगा। शाह को अपनी चाल कामयाब होती हुई नजर आई। कहो तो करवा दूँ हल। दुरे शहवार ने हाँ बोलने के लिए लब खोले, लेकिन शाह की नाराज़गी की वजह से खामोश हो गई। शाह ने तिरछी नज़रों से दुरे शहवार के तासुरात का जायज़ा लिया। सोच लो दुरे शहवार, सर मोईज़ बहुत खरूस हैं, नामुकम्मल असाइनमेंट पे क्या हशर करते हैं आप जानती हैं, आपके दोस्त हैं तो आप जैसे ही होंगे ना। शाह मुस्कुराया, शुगर है कुफर तो टूटा। सॉरी ना यार, देखो कान पकड़ रहा हूँ, शाह ने कहते साथी कान पकड़े। उस वक्त शाह के ऑफिस का कोई बंदा उसे देख लेता तो उसका हार्ट फेल ही हो जाता। वो अजमेर शाह जिसके नाम से लोग काम चाहते हैं, अपने से छोटी मासूम लड़की के सामने कान पकड़े बैठा था। दुरे शहवार ने फौरन उसके हाथ कान से हटाए। हमने आपसे यही सब करने को बोला था, इट्स ओके, एंड द यू ना कीजिएगा वरना बात नहीं करेंगे हम आपसे। अच्छा जल्दी से ये हल कर दें, हम कब से खप रहे हैं। लाओ मतलबी लड़की, अच्छे से जानता हूँ आपकी मुझसे काम ना होता, इतनी जल्दी कभी ना मानती आप। शाह अब करवा भी दें, जो हुक्म जान शाह। पन पकड़ते हुए शाह का हाथ दुरे शहवार के हाथ से मिस हुआ। शाह की लबों पे जानदार मुस्कुराहट उभरी। दुरे शहवार का चेहरा शर्म से लाल हो गया, शाह उस खूबसूरत मंजर में खो गया। दुरे शहवार ने जब शाह को यूं देखते हुए देखा तो गुस्से से उठी, रहने दें हम खुद ही कर लेंगे। शाह ने दुरे शहवार का हाथ पकड़ के बिठाया, जान शाह बैठ जाए, करवा रहा हूँ, हम आगा जान से शिकायत करेंगे आपकी। शाह ने ना समझी थे दुरे शहवार की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में उसका हाथ देख बात समझ में आई। शाह ने शौकी से पूछा, क्या कहेगी? यही कि शाह, आगे शर्म से बोला ही नहीं गया। हाँ बोलो क्या शाह। शाह आप बहुत बुरे हैं, दुरे शहवार ने खफकी से कहा। शाह का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। अजलान को होश आया तो दर्द की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। अजलान के हवास बहाल हुए, उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो कमरा खाली था, अलबत्ता अब वो बंधा हुआ नहीं था। शाह के अल्फाज अब अजलान के कानों में गूंज रहे थे, बहुत गलत किया, मेरे वहम व गुमान में भी ना था, मुझे जिस गलती की सज़ा दी तुमने, अब वो लड़की मेरी जिद है, उसको हासिल करके रहूँगा मैं, अब देखता हूँ कैसे बचाओगे अपनी उस दुरे शहवार को। अजलान आगे का लाया अमर सोचता कुर्सी से उठा, दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से निकलता चला गया। घर जाने से पहले क्लिनिक जाना मुनासिब है वरना इन जख्मों को देख के सबके सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। शाह आगा जान के कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुआ। आओ अजमेर शाह, तुम यार कब से यूं प्रायों की तरह आने लगे, जब से आप शाह को भूल गए। आगा जान ने शाह को ना समझी से देखा,
फिर बोले, जहाँ तक मुझे याद है सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, हमारी किसी बात पे कोई बहस भी नहीं हुई आज। फिर नाराजगी की वजह शाह ने हिम्मत करके लब खोले। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।